सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 43,03,043 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 79.68% हो गया है। देश में कोविड मृत्यु दर घटकर 1.61% रह गई है। इंटीग्रेट आयुष इनटू पोषण अभियान एंड मैनेजमेंट ऑफ मैलन्यूट्रिशन through the principles and practices of Ayurveda, Yoga and other Ayush systems. Speaking on the occasion, Women and Child Development Minister Smriti Irani said that for the first time as a pilot test case, yoga practitioners will be sent to selected Anganwadis in selected states so that yoga can be made an integral part of our children's lives. Pehli baar Swatantra Bharat ke itihas mein Pradhan Mantri ji ke netritv mein yoga जो वर्षों वर्ष और शताब्दियों से भारत का गौरव था, उसे हम विश्व के सामने एक बार फिर बेहतर जीवन पद्धति की दृष्टि से स्थापित कर पाए हैं। लेकिन हमारे आंगनवाड़ी के आंगन आज तक योग की उस परंपरा से वंचित थे। आज जो एमओयू हम सब ने हमारे समक्ष समझौता करार होते देखा है, उसके आधार पर जैसा कि सचिव आयुष ने कहा, पहली बार ऐसा होगा कि एक पायलट टेस्ट केस में हम लोग चिन्हित प्रदेशों के चिन्हित आंगनबाड़ी में योग के हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी भेजेंगे, ताकि बाल्यावस्था में ही हम योग की शिक्षा अपने बच्चों के जीवन का एक अभिन्न अंग बना सकें।